you're talking like you think you're right. सो गुड इवनिंग गाइज, मैं हूँ आपका मिस्टर मॉन्स्टर सैम और अभी हम जा रहे हैं, पता नहीं यार क्या बहुत बड़ा नाम है, देखता हूँ गूगल पे और बताता हूँ यार। कहीं किसी यहाँ पे लोकल को पूछा यहाँ पे घूमने वाले और क्या जगह है, तो उसने हमें बताया यहाँ पे फोर्ड है। वेट, विल चेक। तो ये रहा लोकेशन। सो फाइनली वो है काब्दोराम बीच, यहाँ से 70 किलोमीटर है गाइज और हमारे पास है स्कूटी और निकल रहे हैं हम। मिलते हैं रास्ते। तो गाइस, तो हम लोगों ने अभी रिसोर्ट चेंज किया है, इसलिए आप लोगों को रिसोर्ट बता रहा हूँ, रिसोर्ट के ब्यूटीफुल शॉट्स। तो गाइस ये वाला हर्ट्स है अभी के लिए अपना, ऑसम प्रॉपर्टीज गाइस ये भी। और यहाँ पे सब बेलो कोरोना की वजह से सब शांति चल रही है। तो ये है अपने प्यारे पापा, ये साइड है गणपति जी का पप्पा। सीन कुछ ऐसे ही, अगोंटा बीच के पास में एक और दिन रुक जाता तो मेरा यहाँ रहना बेस्ट होता भाई लोग, बिकॉज बहुत दिनों से मैं अगोंटा पे ही रह रहा था। तो राइडिंग पार्टनर आप लोगों को पता है और बाकी फ्रेंड हम लोगों के गए हैं रिटर्न, जो पहले ब्लॉग में देखा था आप लोगों ने, वो सारे के सारे फ्रेंड गए रिटर्न। और अभी हम 5-6 लोग रुके जो अलग अलग जगहों में इंटरेस्ट रखते, वही यहाँ पे रुके हैं और हम लोग व्लॉगिंग और वो कुछ स्टोरी राइटिंग कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है, करूँगा बाद में सबको इंट्रोड्यूस। तो ओके गाइस, निकलते हैं, बहुत लेट हो गए और यहाँ लेट होते ही अपना सनसेट मिस हो सकता है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। हम लोग मतलब मेरा एक फ्रेंड है और वो व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा शर्माता है, इसलिए हम लोग उसको व्लॉग में एंटर नहीं कर रहे। तो गाड़ी को सेल लगा के हम लोग निकल रहे हैं और कहानी की शुरुआत होती है मोटो जॉकी से। और हम लोगों का गाड़ी का रेट बेच जा रहा था, पेट्रोल बेच जा रहा था, इसलिए सोचा कि कहीं घूम के आते और ये हमारा लास्ट डे होगा गोवा के अंदर। लास्ट टाइम हम लोगों ने जब ट्रैवल किया था, ट्रैवल करने के टाइम पे मेरे फ्रेंड्स लोग कह रहे थे कि कार जो है वो रेंट पे लेते हैं, बट मेरा कहने का मतलब था कि बाइक ही लेंगे, बिकॉज बाइक पे अपन 2% कहीं पे भी घूम सकते हैं और घूमते समय बोर भी नहीं हुआ और बहुत कार चला के मैं पक गया हूँ यार, इसलिए मैंने बाइक ही रेंट पे ले ली। और यहाँ पे गियर डालने का भी कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, अभी सीधा एक्सीलेटर लगाओ और चलाते रहो गाड़ी को। एक्चुअली मेरा फ्रेंड था एडी, उसे छोड़ने के लिए मैं अगोंडा बीच से लेकर मड़गांव स्टेशन तक बाइक पे गया, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से बाइक चलानी थी और बाइक चलाने का क्रेज अलग रहता है। और लास्ट टाइम मैंने जब गोवा से जलगांव तक बाइक राइडिंग की थी वो दिन ही क्या थे वो रिमेंबर हो गया मेरे को। अभी मेरा बाइक का थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया था, इसलिए सोच रहा हूँ कि भाई बाइक। सो ऐसे वैसे करके तुम्हारे भाई ने अभी कर लिए है 10 किलोमीटर कंप्लीट। यो ऐसा लग रहा है कि मैंने 100 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। पहले मैं 100 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद रुकता था, अभी 10 किलोमीटर के बाद भी थकान महसूस होती है भाई लोग मुझे। अभी वो स्टैमिना और वो बाइक की का क्रेज नहीं रहा मेरे अंदर, मेरा वो मॉन्स्टर सैम कहीं खो गया है ऐसा लग रहा है मुझे। तो गाइस ये ओशन और सनसेट एक साथ देख लो ना, मेरे अंदर का जानवर ऐसा उठ जाता है कि यार क्या लाइफ है यार, यहीं पे सेट हो जाओ ऐसा लगता है कभी कभी तो। बट ये गोवा है, यहाँ अपने को परवाने वाला कुछ नहीं है भाई लोग। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा डेस्टिनेशन है, बिकॉज सामने अपने ओशन दिख रहा है और क्या नज़ारे नज़ारे ही नज़ारे के। सनसेट देखो गाइस, सनसेट। तो गाइस यहाँ से अपने ऑफ रोडिंग स्टार्ट होती है और ऑफ रोडिंग मोपेड पे करना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए, बिकॉज इसके टायर बहुत छोटे होते हैं। सो ओके गाइस, फाइनली वी आर रीच्ड डेस्टिनेशन और ये हमारे बैक साइड में एक प्यारा सा सनसेट हो रहा है और जिसके ड्रोन शॉट अभी थोड़े टाइम के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, अभी थोड़ा मैं कॉन्शियस हूँ।
सो गाइस किसी अननोन प्लेस पे मैं पहुंचने के बाद मैं पहले वह जगह को रिसर्च कर लेता हूँ, बिकॉज वो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है, बिकॉज प्राइवेट प्रॉपर्टी रही तो मुझे ड्रोन शॉट्स लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसकी वजह से मैं पहले थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ कोई आसपास कोई, मतलब आपको समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कोई आसपास कोई कंप्लीट करने वाला कोई इंसान तो नहीं है, उसके बाद मैं अपना ड्रोन शॉट्स रेडी करता हूँ। You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. Control, feeling in my bones. I'm coming for the, coming for the. और ये हमारा गोवा का लास्ट सनसेट है, जो अभी आप लोगों ने ड्रोन शॉट्स देखे, अभी हम लोग जा रहे हैं फोर्ट पे। ओके बाय बाय। काश इस जगह पे होती मेरी आरएस, सनसेट के पीछे आरएस। ओ सो माय गॉड, बहुत बढ़िया दिखता है। और अब तुम्हारा भाई बैठा है पीछे बैक सीट पे बैठा है। गोप्रो के कुछ अच्छे शॉट्स दिखाऊंगा मैं अभी। सो गाइस हम लोग बहुत लेट हो गए, लेट होने के कारण हम लोग ज़्यादा दिखा पाएंगे क्या नहीं, वहाँ पे अंधेरा हो जाता है पता नहीं फोर्ट पे, देखते। और लेट होने के कारण मैं अभी डायरेक्टली फर्स्ट 10 ड्रोन शॉट्स ले लूँगा, उसके बाद आप लोगों को जो भी होगा वो कैमरा के अंदर दिखाऊंगा। तो कैसे वैसे करके हम लोग काबूतराम फोर्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो ये फोर्ट की कहानी रामायण से जुड़ी है। राम सीता और लक्ष्मण यहाँ पे वनवास के लिए 14 साल ठहरे थे यहाँ पे, ऐसा कहा जाता है। आई डोंट नो, मैं तो नहीं था उस टाइम पे। इसका सोंदा शिपकोके के द्वारा इस्टेब्लिशन हुआ था और इसको अटैक करके पुर्तगाली ने 1763 में इसको जीत लिया था। सो कहानियाँ ख़त्म नहीं होती गाइस, 1792 में
यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने पुर्तगाल को अटैक करके अपना शासन वहाँ पे चला दिया। आप जो ब्रिज दिख रहे हो ये साधारण ब्रिज नहीं है, ये 300 साल पुराना ब्रिज है और वही का वही है, और उसके ब्रिज के नीचे से साम नदी जाती है। फाइनली मेरे ड्रोन शॉट कंप्लीट हो गए और एक कैमरा से भी देखो भाई अनक्रेडिबल है। ओके गाइस, ये जो नज़ारे है ये कैमरा से बयान नहीं कर सकता मैं, बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल है भाई। ओके गाइस, फाइनली मेरे पीछे देखो मौत का कुआं है और ये देखो आपका भाई। सो गाइस, मैं सोच रहा हूँ मेरा ब्लॉग यहीं पे एंड करूँ, पता नहीं बहुत छोटा सा ब्लॉग होगा बट बहुत ज़्यादा सिनेमेटिक होगा। आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मिस्टर मॉन्स्टर सैम को। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अरे अरे रुक जाओ भाई, लोग हमेशा जाने की जल्दी रहती है, अबे ट्रेन का सफर कौन देखेगा, जलगांव तक मैं अकेला जाऊँ कि आपको भी चलना है मेरे साथ। सो गुड आफ्टरनून गाइस, मैं हूं आपका मिस्टर मॉन्स्टर सैम और आज बहुत सैड के साथ कहना पड़ रहा है हमको गोवा छोड़ना पड़ रहा है, मतलब छोड़ना नहीं हम लोग चाह रहे, बिकॉज हमारे सॉन्ग का पूरा शूट कंप्लीट हो गया है और हम लोग अभी यहाँ इस जगह को मतलब संपूर्ण रेस्टोरेंट को कर रहे हैं गुड बाय। ओके बाय बाय। सो गाइस, अभी तक हमारा टिकट कंफर्म नहीं था इसलिए हम लोगों ने रेडी नहीं हुआ था, पर अभी जल्दी से फटाक से निकल रहे बिकॉज टिकट कन्फर्म हो गया है। वो दिखाई नहीं दे रहा मुझे किधर है, तो मेरे पास बहुत कम टाइम है, मैंने रेंटर बाइक ली थी वो भी रिटर्न करना है। तो मेरी केयरिंग करते हैं, अब मेरी मारते हैं हर बार, अभी भी 500 में से 400 रुपीस दिए उन्होंने, बाकी सब रख लिया। ओके चलो कोई होता नहीं, गोवा में तो 200 यू भी खर्च हो। तो फाइनली हम लोग यहाँ से अभी चेकआउट कर चुके हैं, पर ये हमारा भाई, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, हाय कर दो हेलो। ओके चलो, लव यू, लव यू टू गाइस, बाय बाय। ओके इसके पार्टी पेंडिंग है भाई लोग। ओके बाय। तो इतने जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे, पता भी नहीं चला हम लोग कब निकले और कब पहुँच गए। आई होप हमको ट्रेन मिल जाए भाई लोग। हम लोग रेलवे स्टेशन में पहुँच गए और यहाँ अपने बैग साइड से ट्रेन आई वास्को द गोवा एक्सप्रेस से, हम लोग निकल रहे हमारे होम टाउन के लिए। ओके तो फाइनली ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन के अंदर एंटर कर रहा हूँ भाई लोग में, अभी सीट नंबर देखना पड़ेगा सच में कन्फर्म हुआ है या नहीं। सो गोवा के अंदर जैसे काजू फेने एंड दारू वैसे नेचर का भी बहुत ज़्यादा फील है, और धीरे धीरे आपके सामने अभी दूधसागर वाटरफॉल दिखाई देगा, वो देखो सामने दूधसागर वाटरफॉल। चलो दूधसागर वाटरफॉल पे रुकी है, सच में चेन्नई मूवी वाला, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी वाला फीलिंग आता है यहाँ पे रुकने के बाद, कोई स्टेशन नहीं कोई कुछ भी नहीं और गाड़ी अपने आप रुक गई है। लोकेशन यहाँ बहुत नज़र देख लिया, अभी सोने का मन कर रहा है मेरा, जाके सो रहा हूँ मैं और मिलते हैं सुबह रेलवे स्टेशन चल रहा हूँ। तो गाइस गोवा से आने के बाद जलगांव स्टेशन बहुत साइलेंस लग रहा है मुझको, क्या करूँ अभी कैसे रह पाऊँगा मैं इस सिटी के अंदर। हर बार कहीं से ट्रैवलिंग करने के बाद मैं जलगांव स्टेशन जब भी आता हूँ तब मेरे को एक क्वेश्चन मार्क आता है कि व्हाट इज़ योर नेक्स्ट ब्लॉक,
थैंक यू सो मच गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए, और आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन तो पक्का दबाना। बाय बाय गाइस।